हेलो, राष्ट्रवादी कर्णधारों, इस सोप बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये सोप बायोलॉजी क्लासेस जैन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरी टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके प्रोड्यूसर हैं विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव प्रोग्राम डायरेक्टर मिस्टर पंकज तिवारी, टेक्निकल सपोर्ट भाई राजनंदिनी एंड भाभी रत्ना, और पूरे प्रोग्राम के रिसोर्स पर्सन माइसेल्फ डॉक्टर अपन दिया। असल में पूरी की पूरी साइंस इस बात पर निर्भर है कि किसी बात की जानकारी के लिए हमारे पास उपकरण हैं या नहीं है। उपकरण नहीं है तो हमको पता नहीं चलता है। जैसे एक मकान बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर कुछ इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे कोशिका या द सेल कहते हैं। 1665 के करीब में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जो कि डच एक लेंस ग्राइंडर थे, अपने शौक के लिए कांच के टुकड़े को घिस करके लेंस बनाया करते थे। करीब 400 तरीके के लेंस उन्होंने बनाए और उससे कोई भी चीज़ जब देखते थे तो थोड़ी बड़ी दिखाई देती थी। जैसे ये है, ये भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिम मैग्नीफाइंग ग्लास, तो इसी तरीके का वो लेंस बनाते थे। और खून की बूंद, सीमेन की बूंद, नाक से निकलने वाला जो फ्लूइड है, या पानी की बूंद, कोई भी चीज़ जो भी उनके सामने आता था उसको उससे देखने की कोशिश करते थे, तो वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती थी। बाद में रॉबर्ट हुक ने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने दो लेंस यूज़ किया, तो इस तरीके से उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिससे कि चीज़ें और बड़ी दिखाई देने लगी। ल्यूवेनहॉक के सिंपल माइक्रोस्कोप में तो मैग्नीफाइंग पावर 200 गुना था, रॉबर्ट हुक के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2000 गुना तक, और बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीज़ें 2,00,000 गुना बड़ी तक दिखाई देती हैं। तो इनमें ये कोशिका, कुछ प्राणियों का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना हुई हो सकता है, जैसे कि ये ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है या अमीबा की कोशिका है। कुछ प्राणियों का शरीर सैकड़ों या दर्जन कोशिका से मिलकर के बना हो सकता है या दर्जनों कोशिका से मिलकर के बना होता है, और हम लोगों का शरीर है जैसे और दूसरे प्राणियों का शरीर बहुत सारे लाखों सेल्स से मिलकर के बना हो सकता है। अब इसका अंदाज़ा जैसे आप इस बात से लगाएं कि हमारे शरीर में कुल लगभग 37.2 ट्रिलियन, मतलब उसमें 12 शून्य आप लगा लीजिए एक लाइन में, और हमारे ब्रेन में 1×10^11 यानी कि 100 बिलियन नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड में हमारे 5.4×10^6 RBC पाए जाते हैं और 7000 WBC पाए जाते हैं। अब इनमें आप सोचते होंगे कि कोशिका इतनी छोटी क्यों होती। सबसे छोटी कोशिका जो होते हैं एक प्रकार के आर्ची बैक्टीरिया में होती है, PPLO में, वैसे RBC भी काफ़ी छोटी कोशिका होती है, तो ये माइक्रॉन में होती है। तो क्यों भगवान ने जो है कोशिका को इतना छोटा बनाया? इसलिए कि जितना छोटा होगा सेल उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक क्यूब है, 2 मिलीमीटर लंबा, 2 मिलीमीटर चौड़ा, 2 मिलीमीटर गहरा, तो इसका टोटल वॉल्यूम तो 2×2×2 8 क्यूबिक मिलीमीटर हुआ, लेकिन इसमें 6 सरफेसेज हैं, तो इसका सरफेस एरिया जो है 2×2×6 24 स्क्वायर मिलीमीटर हो गया। लेकिन वहीं इस क्यूब को बीच में से हम आधा आधा कर दें तो 8 टुकड़े हो जाएंगे, और एक टुकड़ा जो है 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, लेकिन कुल 8 हो गए और हर सभी में 6 सरफेस हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 1×1×6×8 48 स्क्वायर मिलीमीटर हो गया, जबकि यहाँ पे 24 था। तो इससे क्या होगा कि सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होने से उसमें बाहर से ज़रूरी फूड मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से आ सकेंगे, अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जा सकेंगे, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज आसानी से हो सकेगा, इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में और विभिन्न प्राणियों में अलग अलग तरीके का काम करने के लिए अलग अलग
प्रकार की कोशिकाओं की जरूरत होती है। जैसे अब हमारे शरीर में आउटर मोस्ट सरफेस पर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, तो ये एपिथेलियल सेल्स लेयर में पाई जाती हैं, जिसमें क्यूबिकल भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं। और फिर जैसे ह्यूमन के ब्लड में ब्लड सेल्स आरबीसी हो सकती हैं पॉपिंग्स की तरह से, और डब्ल्यूबीसी हो सकती हैं जो कि जिसमें न्यूक्लियस कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है। हमारे नाक और कान में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज की कोशिकाएं जो हैं अलग अलग छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, और इनके अंदर बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में मैट्रिक्स पाया जाता है खूब सारा। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में सेल्स होंगी, पूरे बीच में पैकिंग मटेरियल के लिए मैट्रिक्स होगा, और कई तरीके की फाइबर्स होंगे, पतले इलास्टिन फाइबर्स, मोटे कोलेजन फाइबर्स इत्यादि। जैसे मसल सेल्स हैं तो मसल सेल्स में बहुत सारी न्यूक्लियाई हो सकती हैं स्ट्राइएटेड मसल्स में। नर्व सेल्स में मैसेज को दूर ले जाना है तो इसके लिए ये इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल हैं। और पत्तियों में निचली सतह पर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा ये एपर्चर है जिससे होकर के O2 और CO2 का आना जाना होता है। इसको कवर करते हुए जो किडनी शेप सेल्स पाई जाती हैं इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। अमीबा और इसी तरीके से WBC सेल होता है, जिनके सरफेस पर कई उभार बनते बिगड़ते रहते हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं, तो ये एक एनिमल है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का काम करने के लिए कोशिकाओं में अलग अलग शेप बन जाते हैं। अब इसके बाद एक नॉर्मल कोशिका में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरियल सेल में, तो उसे हम टिपिकल सेल या जनरलाइज सेल कहते हैं। जनरलाइज सेल में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। जिस प्रकार एक मकान बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार पौधों और जंतुओं का शरीर भी कुछ छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें कोशिका या सेल कहते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके का काम करने के लिए और विभिन्न प्राणियों में कोशिका अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फीचर हैं जो हर कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे टिपिकल सेल या जनरलाइज्ड सेल कहते हैं। तो पहले तो आइए हम जनरलाइज सेल की बात करें। इसमें जनरलाइज सेल में तीन बातें होती हैं, एक तो सबसे बाहर की तरफ एक कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि पूरे सेल को कवर किए हुए रहता है। इसके अलावा इसके अंदर जितना मटेरियल होता है उसको प्ररस या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसमें एक केंद्रक या न्यूक्लियस होता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन अब यहीं पर आकर के एक फर्क हो जाता है, कुछ कोशिकाओं में जैसे बैक्टीरिया की कोशिका में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर वाला जो मटेरियल है वो सर्कुलर DNA के रूप में तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोट, प्रो मतलब पहला प्रारंभिक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो इनका न्यूक्लियस प्रारंभिक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसका उदाहरण क्या है, बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में भी एक सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला होगा, उसके बाहर की तरफ एक बैक्टीरियल सेलुलोज से मिलकर के बना हुआ सेल वॉल होगा। कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये सेल वॉल नहीं होती है, वो बहुत छोटे होते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल में इस मेन सर्कुलर DNA के अलावा भी कुछ छोटे छोटे DNA के छल्ले होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें बीच बीच में राइबोसोम पाए जाते हैं,
कुछ बैक्टीरियल सेल में एक प्याज की तरीके से कई परतों से मिलकर के संरचना होती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। इसका फंक्शन स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। लेकिन इसके बाद और बाकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो उन्हें यूकेरियोट कहते हैं। अब यूकेरियोट में दो चीज़ें हो गई, एक तो एनिमल सेल और प्लांट सेल। अधिकांश चीज़ें तो कॉमन है दोनों में, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी बॉडी है, लेकिन इसमें दो अंतर हैं। एक बात तो ये कि प्लांट सेल में इस मेन सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी एक और दीवार होती है, सेलुलोज से मिल करके बनी होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। दूसरी चीज, प्लांट सेल्स में कुछ छोटी छोटी गोल या अंडाकार रचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, जैसे आलू के सेल्स में ये कलरलेस भी हो सकते हैं जो स्टार्च को इकट्ठा करते हैं, तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। हरी पत्तियों के अंदर हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके अंदर हरे रंग का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। फूलों की पंखुड़ियों में कुछ अलग अलग रंगों के प्लास्टिड होते हैं जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इनमें कैरोटीन भी हो सकता है, जैंथोफिल भी हो सकता है। कुछ फूलों में एक और पिगमेंट पाया जाता है एंथोसाइनिन, जो कि वैक्यूल के अंदर खुला हुआ रहता है, प्लास्टिक के अंदर नहीं रहता है, जिसे एंथोसाइनिन कहते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल्स में एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, सेंट्रल वैक्यूल, जिसके कारण अधिकांश न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किनारे की तरफ पुश हो जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है एनिमल सेल्स में, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस के पास में होता है, ये दो सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है, ये सेल डिवीजन की शुरुआत करता है, तो ये प्लांट सेल में नहीं होगा। और एनिमल सेल्स में भी नर्व सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसके अलावा अधिकांश यूकैरियोटिक सेल्स में एक दोहरी दीवार वाले माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जिसकी अंदर वाली दीवार में कई फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं अंदर की तरफ बड़ी, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। इनके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी निकलती है, इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल के अंदर सेल डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करने के लिए कुछ छोटी छोटी गोल सी रचनाएं होती हैं जिन्हें लाइसोसोम कहते हैं। एनिमल सेल्स सभी सेल्स में, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि शहरों में सड़कों का जाल होता है, तो उसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए सड़कों के जाल जैसी रचना होती है, जिसे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हो सकता है, एक तो बिल्कुल स्मूथ होता है, उसे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा वाला होता है RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दीवार से राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, राइबोसोम्स RER से भी अटैच हो सकते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्री ढंग से भी पाए जा सकते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अधिकांश एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के पास ही एक गॉल्गी बॉडी पाई जाती है, जो कि सेल सिक्रीशन करती है, जहाँ कहीं भी एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करना होता है तो ये गॉल्गी बॉडी सिक्रीट करने का काम करती है। प्लांट सेल्स में ये गॉल्गी बॉडी तो होती हैं, लेकिन वो कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाती हैं, तो उन्हें ट्यूक्टियोस हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि सभी प्राणियों में बहुत सारे अंग या ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी जो डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, ऑर्गन की तरफ से काम करते हैं, उन्हें ऑर्गन नहीं ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये फर्क है कि सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल या अंग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।